देखिए गोरखपुर में जो नगर निगम है, नगर निगम के पास केवल 700 कर्मचारी हैं जो उनके यहाँ नियमित हैं और उनको सैलरी मिलती है। बाकी लगभग 2000 कर्मचारी बाहर से लाए जाते हैं और ऐसा नहीं कि इन्हें रोज लाया जाता है। इसमें वही कर्मचारी हैं जिनकी पुश्त दर पुश्ते सफाई का काम करते हुए आ रही हैं और ये लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं। इन सफाई कर्मचारियों का जो वेतन मिलता है वो ठेकेदारों को दिया जाता है। ये ठेकेदार के ऊपर निर्भर होता है कि किसको कितना पैसा मिलना है, यानी कि उनकी मेहनत का पूरा पैसा उनको नहीं मिलता है। दूसरी बात, ये जो काम करते हैं उस दौरान अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, इन्हें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई गाड़ी कुचल के चली जाती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन या ठेकेदार की नहीं होती है, उसको केवल सफाई कर्मचारी झेलता है। तीसरी बात, इन लोगों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए जो जहरीली गैस में उतर करके काम करते हैं, गंदे बजबजाते नाले गटर में उतर करके काम करते हैं, उन लोगों के लिए सिक्योरिटी की, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज ये धरना प्रदर्शन करके आज शासन सत्ता से ये मांग करते हुए मांग कर रहे हैं हम कि सबसे पहले जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको नगर निगम में बाकायदा रजिस्टर्ड करके उनको एक आई कार्ड जारी किया जाए ताकि कोई भी घटना दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की हो सके और सफाई कर्मचारी निश्चित होकर के जनता को या किसी को भी बता सके कि वो सफाई कर्मचारी हैं। दूसरी जो मांग है कि जिनका जो सैलरी है, जो सैलरी बिचौलिए के द्वारा इनको बांटी जाती है, वो सैलरी सीधे इन मेहनत करने वाले लोगों के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सीधे भेजा जाए, क्योंकि आज सरकार ने सारा बैंक अकाउंट आधार से लिंक कर दिया है। तो इन सफाई कर्मचारियों का पैसा क्यों ठेकेदारों के हाथ में दिया जाता है, सीधे इनके बैंक अकाउंट में भेजा जाए। तीसरी मांग ये है कि ये जो सफाई कर्मी हैं इन सब के लिए सूचना सुनवाई के लिए एक कार्यालय आवंटित किया जाए। अगर ये मांग, इन मांगों को लेकर के 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 3 दिन तक ये सफाई कर्मचारी शहर में कोई काम नहीं करेंगे, 4th दिन यहाँ फिर एकत्रित होंगे। अगर सरकार और शासन प्रशासन के लोग विचार करके 4th दिन लोगों को आश्वासित नहीं करते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, इनका पैसा सीधे इनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो अनिश्चितकालीन के लिए सारा काम ठप कर दिया जाए।